स्टूडेंट्स, संस्कृत में आज हमारा पाठ चार है, लिंगानि पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम। संज्ञा, व्यक्तेः वस्तुनः स्थानादिनानि यानि नामानि भवन्ति ते शब्दा एवं संज्ञा शब्दा भवन्ति, यथा रमेश, गीता, इंदौरम, भवनम, व्यजनम इत्यादि। संज्ञा की परिभाषा जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं हिंदी में भी, किसी भी वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वो सब संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे रमेश, गीता, इंदौर, भवन मतलब घर, व्यजनम आदि, तो ये सब संज्ञा शब्द हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा स्थाने प्रयुक्ता शब्दा एवं सर्वनाम शब्दा भवन्ति, यथा स, एष, सा, एषा, तत्, एतत्, अहम् इत्यादि। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे स, एषः, सा, एता, तत्, एतत्, अहम् इत्यादि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। यह, वह, मैं, मेरा, उसका आदि। अब वचन हम देखेंगे। वचनानि, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। द्विवचनम, दो संख्याओं का बोध कराने वाले वचनों को हम द्विवचन कहते हैं, और दो से अधिक संख्या का जो बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। लिंगानि, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द न पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं न स्त्रीलिंग का, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंगम, एक वचनम, स, वह, छात्रः, छात्र। स कह अस्ति, वह कौन है, यहाँ पर संस्कृत और हिंदी दोनों ही दिए हुए, तो आप ध्यान से यहीं से देखते इसको पढ़ लेंगे। सह कह अस्ति, वह कौन है, सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जा रहा है, छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जा रहा है। अब द्विवचन का देखेंगे हम, तो वे दोनों, छात्रों, दो छात्र। तो कौ स्तः, वे दो कौन है, तो छात्रों स्तः, वे दो छात्र हैं। छात्रों कुत्र गच्छतः, छात्र कहाँ जा रहे हैं, छात्रों विद्यालयं गच्छतः, दो छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब बहुवचन का देखेंगे हम, ते, वे सब, छात्राः, बहुत से छात्र। ते के संति, वे कौन है, ते छात्रा संति, वे छात्र हैं। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जा रहे हैं, छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब ये पुल्लिंग का उदाहरण था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का। अब एक वचन का देखिए नीचे, एष, यह, अश्व, घोड़ा। एष क अस्ति, यह कौन है, एष अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। अश्व किम करोति, घोड़ा क्या कर रहा है, अश्व धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। द्विवचन, एतो, यह दोनों, अश्वो, दो घोड़े। एतो को स्तः, ये दो कौन है, एतो अश्वो स्तः, ये दो घोड़े हैं। अश्वो किम कुरुत, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वो धावत, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। बहुवचनम्, एते, ये सब, अश्वाहा, घोड़े। एते के संति, ये कौन है, एते अश्वाहा संति, ये घोड़े हैं। अश्वा किम कुर्वन्ति, घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वाह धावंती, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहाँ और भी देखिए उदाहरण, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः, एक वृक्ष, दो वृक्ष, अनेक वृक्ष। गजः, गजो, गजाः, एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी।